बस अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर कैसे हैं आप सब लोग जा रहे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे आज की वीडियो इस नेक दुआ के साथ करते हैं जी आगाज तो आप सब ने इसरार किया है कि आंटी और अंकल आपका इतने दिनों से विलाग क्यों नहीं आ रहा तो वो भी मैं आप सबको कुछ वजूहत बताती हूँ कि हमारा इलाज इतनो इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा तो वही मसला कि आपके अंकल की तबीयत काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी फिर हमने उनको बार बार यानी कि उनके टेस्ट वगैरह होते रहे बार बार इतने दिन हो गए हैं कि उनके टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं तो फिर हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट मांगी थी कि हमें चेकअप चेक हम कब करवाने आए एंजियोग्राफी का तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप फलाने फलाने दिन आकर आप एंजियोग्राफी करा सकते हैं तो हमने फिर दो यानी कि तीन दिन हो गए हमने एनजियोग्राफी कराई तो उसकी वजह से आपके अंकल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो दिल की नाली में ए, कैमरा वगैरह डालते हैं तो उससे तबीयत काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी फिर दो दिन के बाद फिर हम कहीं और डॉक्टर के पास लेकर गए तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप जितना जल्दी हो सके ना आप इनकी जो वा, जो दिल का वाल है इनकी सर्जरी वगैरह जो है वो करवाएं ताकि क्योंकि ये वाल जो है वो लीक है एक वाल लीक है और दूसरा जो वाल है वो उनको भी ख़राब कर रहा है और उनको भी बंद कर रहा है वो तो इसी वजह से मतली हो रही है यानी कि उल्टी हो रही है बुखार हो रहा है जो भी खांसी हो रही है जो भी मसला है ना इस वाल की लीक की वजह से है क्योंकि वाल अंदर से बारशन कर रहा है लीक लीक बार बार लिक्विड डाल रहा है और खांसी उस लिक्विड की वजह से आ रही है बार बार तो काफ़ी ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हम इस परेशानी की वजह से हमने इतने दिन विलाग भी नहीं बनाया आप सबको पता है कि घर में अगर एक परेशानी हो तो पूरी फैमिली जो है वो टेंशन में हो आ जाती है और परेशानियां जो है वो काफ़ी हद हाँ तक बढ़ रही है तो फिर हमने वो जो जो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें आप जल्द से जल्द ना इनकी सर्जरी करवाएं तो उन्होंने हमें कहा है कि आप फोर रन मुल्तान जाए जा, जा मुल्तान जाए जा लाहौर जाए आप तो आप वहीं जा करना इनकी सर्जरी करवाएं क्योंकि भावलपुर वाले जो जिन्होंने एनजियोग्राफी की थी उन्होंने तो हमें जवाब दे दिया कि हम दिल की सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो सर्जन बड़े डॉक्टर नहीं हैं क्योंकि डॉक्टरों की भी यानी कि हस्पतालों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कोई मशीनरी वगैरह होती हैं जो दिल के जो दिल का ऑपरेशन करते हैं वो भी नहीं है और डॉक्टर जो बड़े बड़े सर्जन है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हड़ताल है बंद जा रहे हैं तो आप लाहौर जा सकते हैं वहाँ जाकर ना आप दिल का ऑपरेशन करवाएं तो हमने बुध वाले दिन ना टाइम मांग लिया है कि हम बुध वाले दिन मुल्तान जा रहे हैं तो मुल्तान के बाद ही आप बड़े डॉक्टर जो हैं वो आएंगे वो आ रहे हैं जर्मनी यानी कि गैर मुल्क से जर्मनी से लंदन से वहाँ से डॉक्टर बड़े आते हैं और लाहौर में भी सर्जरी करते हैं और मुल्तान में भी वो सर्जरी करते हैं तो वो अब मुल्तान बुद्ध वाले दिन उन्होंने कहा है कि आप हम आ, आपको आपका बाप फिर दोबारा चेकअप करेंगे फिर उसके बाद जो है ना हम आपको बताएंगे आपका कितने दिन यानि कि दो दिन या एक दिन के बाद आपका दिल का ऑपरेशन जो है हम करेंगे वो भी यहाँ नहीं होगा लाहौर होगा तो इसलिए हम आप सबको पता है कि एक गरीब क्या कर सकता है तो पहले भी हम काफ़ी यानी कि आपके अंकल पर काफी ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा उन्होंने मांगा है तो हम कहीं से भी इकट्ठे कर रहे हैं इधर उधर से कि हम कट्ठे कर लेंगे तो फिर हम जा करना फिर दाखला वगैरह जो है वो करवाएंगे तो आप सब ने दुआ करनी है कि किसी तरह से आपके अंकल का जो दिल का ऑपरेशन है ये सही हो जाए तो फिर हम जैसे विलाग बनाते हैं हम वैसे ही विलाग बनाएंगे और प्राप्ली विलाग बनाएंगे तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती थी कि आप सब ने इस क्या हमें अंकल की तबीयत बताएं किसी तरह भी हमें हमारे हमें, हमें बताएं कि हमें अंकल की तबीयत हमारे अंकल की तबीयत कैसी है तो इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है कि आप साहब को बताऊं कि आपके अंकल की तबियत अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है तो हम जल्द ही उनको उनका दाखिला करवाएंगे तो मेरी आज की वीडियो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी आज की वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे